नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दो क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं जब से यूपीपीसीएस 2018 के मेंस का रिजल्ट आया है। सबसे पहला सवाल कि क्या सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों का हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई सारे इंग्लिश मीडियम वालों का नहीं भी हुआ है और कई सारे हिंदी मीडियम वालों का हुआ भी है। किस तरह से चेकिंग हुई है ये कोई नहीं बता सकता है, सिर्फ यूपीपीसीएस आयोग बता सकता है। लेकिन इस बार ये जरूर है कि अब जैसे 16,500 समथिंग लोगों ने यहाँ पे दिया था एग्जाम और हुए हैं सिर्फ 2,600-2,700 लोग, तो कई अच्छे लोग जो हो सकते थे उनका नहीं हो पाया। रीजन इसका क्या है वो तो मार्कशीट फाइनली आने पे ही पता चलेगा। कई लोग इसीलिए आरटीआई करने की बात कर रहे हैं। आरटीआई बिल्कुल जा सकते हैं, बेशक आप करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि आयोग ने एक यहाँ पे भी रूल अपना घुसा रखा है कि जब पूरी मार्कशीट फाइनल आ जाएगी, मतलब पूरा इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही आरटीआई करने देंगे। यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे एक पेज जरूर है ये कि कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो यूपीएससी में इवन इंटरव्यू तक क्वालिफाई किए हैं, भले उनकी वहां पर रैंक नहीं अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। तीन तीन चार चार बार यूपीएससी लिखा हुआ है और काफी अच्छे पेपर भी गए थे यहाँ पे। तो ये सारी समस्याएं हैं। ये सारी समस्याओं में अभी ये नहीं कहा जा सकता है लेकिन कि इंग्लिश मीडियम वालों का ही सिर्फ हुआ। मैं कई लोगों को जानता हूं जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं उनका भी हुआ है। मैंने एक डेटा निकाला था टोटल मिला के, कुछ फॉर्म मैंने किए थे। एक हमारा इंटरव्यू के लिए जो एक सपोर्ट का मैंने एक प्रोग्राम चालू किया है फ्री में, जो हमारे मेंस के पेड ग्रुप से सिलेक्शन हुए उनके लिए और प्लस जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में बिलीव करते हैं उनके लिए, तो उसमें भी मैंने कुछ डेटा कैलकुलेट किया है, वहां भी हिंदी मीडियम वालों का हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऑप्शनल में किस ऑप्शनल में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए, ये वाले का पूरा एग्जैक्ट डेटा नहीं निकाला जा सकता है। 2600 में से अभी तक जो मुझे करीबन 200 रिस्पॉन्स मिले हैं, मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। अब ऑप्शनल में हिस्ट्री का भी हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का भी हुआ है, ज्योग्राफी का भी हुआ है, सोशल वर्क का भी हुआ है, डिफेंस का भी हुआ है, ठीक है, जो अभी तक मुझे डेटा यहाँ पे बताया गया है जिस हिसाब से वो। अच्छा, इसमें आप लोगों से एक क्वेश्चन है, जिन लोगों ने सही बात जिन लोग का सिलेक्शन हुआ है वो लोग अपना बताइएगा कि किससे उनका किस ऑप्शनल से फाइनली हुआ है। यहाँ पे अगर आप लोग ये डेटा बताएंगे तो जो बाकी लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस की, उन लोगों के लिए डेटा काफी यूजफुल हो जाएगा, ताकि उनको एक आइडिया मिल जाएगा। और भैया ये जो है भ्रम से दूर रहिए। आजकल कई लोग अभियान चला रहे हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कई सारी चीजें हुई हैं। अब एग्जैक्टली अब देखिए, जैसे ये 2018 का रिजल्ट कई बार आने को हुआ लेकिन आ नहीं पाया। स्केलिंग मॉडरेशन इस खेल में ये ऐसा पिसा है कि अभी कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता है कि ये रिजल्ट जो है ये एकदम 100% करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ये सारी बातें सिर्फ यूपीपीएससी आयोग ही जानता है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अब नेक्स्ट ये है कि अगर आप आरटीआई करोगे, कोर्ट जाओगे, आयोग बहुत मजबूत है, आयोग के पास करोड़ों रुपए के बजट रहते हैं। पहले भी 2-3 साल पहले भी ये सब चीजें जो हो रही थी, ये सारी चीजें ये आज की थोड़ी ना है, ये हमेशा से चल रही है, ठीक है। तो उसमें आयोग के पास क्योंकि इतना बजट है, आप लोग 4-5 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 200 लोग, कितने लोग वो यूनाइटेड हो ही नहीं सकते हो। फिर कोई आपने पैसा जोड़े, कोई चंदा किया, कोई नेता बनाया, नेता पैसा खा के निकल लेता है। आप वकील के पास गए, वकील पैसे खा के निकल लेता है। तो ये जो है अभी के लिए मेरा है तो यही संदेश है कि आप लोग नेक्स्ट टाइम के लिए जो भी है, अगर आप लोग का नहीं हुआ है, जिन लोग का, नेक्स्ट टाइम के लिए लग जाइए। या फिर अगर ऐसा कुछ करना है तो बहुत ही ज्यादा संगठित होना पड़ेगा, या फिर आप ही लोग सजेस्ट कर लो कि क्या करना है यहाँ पे। लेकिन एक ये मेरे मैं चाहता हूँ आप लोग एक कमेंट जरूर करें कि प्लीज जिन लोग का सिलेक्शन हुआ है वो लोग किस ऑप्शनल से हुए हैं, डेटा चाहिए। मैंने एक फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, आपको फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ, प्लीज अगर आप इस पे थोड़ा भर दीजिए। बस आपका रोल नंबर चाहिए और ऑप्शनल क्या था वो और मीडियम, एग्जैक्ट डेटा हम लोग के पास आ जाएगा कि भैया कितने हिंदी मीडियम के हुए हैं, कितने इंग्लिश मीडियम के हुए हैं, कितने ऑप्शनल कौन कौन से हुए हैं। सिर्फ ये तीन इंफॉर्मेशन चाहिए। ये वाला फॉर्म आप हर जगह फिल करा के अगर आप देंगे हमको तो ये पूरा डेटा मिल जाएगा। अभी तक जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये डेटा करीबन 200 लोगों का है, उस बेसिस पे बता रहा हूँ। उन 200 लोगों में से हिंदी में भी हुआ है, इंग्लिश में भी हुआ है और सारे ऑप्शनल में से हुआ है, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। जिन लोग का इंटरव्यू के लिए हो गया, लगातार आप पढ़ाई करते रहिए, लगातार हम आपको गाइड करते रहेंगे।